بسم الله الرحمن الرحيم القرآن حياتي The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. असलकमल् वर्क इनशा सुन आर फ़ आय नंबर वन ट्वेंटी सेवन टू वन ट्वेंटी नाइन देखते हैं मज़ीद अभी भी जो है मूसा की जो वाक़त आगे अल्लाह तल्ह बयान कर रहे हैं इन देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم व فَوْقَهُمْ कह और कहा सरदारों ने फिराउन के कॉम से क्या तू यूँ ही छोड़ देगा मूसा को और उसकी कौम को इस तरह तो वो फसाद मचाएंगे ज़मीन में और छोड़ देंगे तुझे और तेरे महबूदों को फिराउन ने कहा ज़रूर हम कत्ल कर देंगे उनके बेटों को और हम जिंदा छोड़ देंगे उनकी बेटियों को और बेशक हम उन पर पूरा जो है उनके ऊपर قهر دهالنجي هم پورا زور ركتين آية نمبر 128 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين मुसीम ने कहा अपनी कौम से अल्लाह से मदद चाहो सब्र पर जमे रहो बेशक ज़मीन तो अल्लाह की होती है और वो वारिस बनाता है ज़मीन का जिसे वो चाहता है अपने बंदों में से और अंजाम तो तकवा वालों का ही बेहतरीन होगा आयत नंबर वन ट्वेंटी नाइन قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعَمَلُونَ قوم نكهة موسى عليه السلام से वो कहने लगे ए मूसा सताए जाते रहे हम इससे पहले कि तू आता हमारे पास और इसके बाद भी जो तू लेकर आया है हमारे पास मूसा सलाम ने जवाब दिया मुमकिन है कि तुम्हारा रब हलाक कर दे तुम्हारे दुश्मनों को और जानशीन बना दे खलीफा बना दे तुम्हें ज़मीन का फिर वो अल्लाह सुबहाना तला देखेंगे तुम्हें यू नो खलीफा बनाने के बाद के तुम कैसा अमल करते हो इना सरअ आराफ़ आयत नंबर 127 से हम स्टार्ट करते हैं और क़िस मूसा आलाम जो है वो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि कैसे जो है मूसा सलाम के मुआजे पर जादूगर को ने सज़दे की तकफीक देती उन्हें जो है वो ईमान की दौलत नसीब हो गई आए थे वो दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के लिए और अल्लाह सुबहान ते ईमान जैसी क़ीमती नामों से नमाज दिया ठीक है चले आगे देखते क्या हुआ जरा हतक ये देखिए खौफ मुश्रकों का और काफिरों का यकीन करें कि अगर सच्चा और खाली सिमान हो ना तो लोगों के दिल में उस बंदे मोमिन के लिए इस कदर रौब बैठ जाता है लोग इस कदर डरते हैं उसके ईमान को देखकर और जो अल्लाह सुबहाना ताला की मदद उसके साथ आती है उसको देख कर ये चीज महसूस होगी कि यहाँ पर ये यह जो धमकियां दे रहा है फिराउन ये किसको दे रहा है जादूगरों को दे रहा है इनशाला जब पूरा किस्सा आप पढ़ोगे तो आपको एक जुमला भी मूसा आसम के खिलाफ नहीं मिलेगा कि ये जो फिराउन है उसने मूसा आसम को कोई धमकी दी किसी भी तरीक़े की नहीं क्यों क्योंकि देखिए कि बंदे मोमिन को यकीन करेगी कभी कभी मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और अल्लाह सुबह तौब डाल देते कि अपोजिशन में जो होता है मुखालफत में जो खड़ा होता है वो बंदा खुद ऐसी डर जाता है एंड uh, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले भी पढ़ा आगे भी पढ़ेंगे कि फिरौन के घर में ही उसके महल में ही ये मूसा सलाम ने जो है परवरिश पाई और मूसा अलै सलाम के निजात के बारे में फिरौन को बहुत अच्छे से पता था कि वो बहुत एक यू you नो know, एकदम कमेंटेड यानी कि पर्सन है जो कहते हैं वो कर के दिखाते हैं यानी इस वजह से भी जो फिरौन है वो बहुत डरा हुआ था मूसा सलाम से लेकिन बस अपने डर को अपने खौफ को जाहिर नहीं कर रहा था अब हुआ क्या अब देखिए कि किस तरीके से सारे जादूगर जो है वो अल्लाह पर ईमान ले आए सलाम की बात उन्होंने मान ली और उसके बाद जो देखे के अब उसके बाद उन्होंने जब दुआ की यकीन करें मैं आपसे कह रही थी कि इस दुआ को याद रखें क्या है वो बना तवफना मुसलमिन हर मुसलमान को मैं समझती हूँ हर अल्लाह के बंदे को ये दुआ याद होनी चाहिए और ये बात भी याद होनी चाहिए कि मर के अल्लाह के पास जाना है और जब कभी अल्लाह के रास्ते में अब आप बोलोगे अरे मुझे क्या जरूरत है इस दुआ की मुझे क्या जरूरत है सब्र की देखिए कि मांगे दुआ मांगा करें अल्लाह सुबहान तला से अब्बा तेरे रास्ते में जो रुकावटें आए उस पर मुझे सब्रता करना ऐसा ना हो कि मैं तेरे रास्ते में निकलूं मेरे मिजाज के खिलाफ या यानी मेरी तबीयत के खिलाफ कोई बात हो और अल्लाह ना करे कि मैं तेरे रास्ते से फिर पलट जाऊं तो जो परेशानियां आएंगी जो मुखालिफतें आएंगी जो परेशानी से मुझे दो चार होना पड़ेगा उस पर मुझे तो सब्रता करना कि अल्लाह के रास्ते में आना ये बड़ी बात नहीं है उस पर जम जाना ये बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है जोश और खरोश से तो देखिए कि ऐसे तो बहुत सारी क्लासेस सब ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन आखिर आखिर तक यू नो कोई अल्लाह के चुनिंदा बंदे जो हैं वो रह जाते हैं और बाकी सब कुछ ना कुछ रीजंस रहते हैं दुनिया के ठीक है लेकिन फिर यहाँ पर टेस्ट होता है एक बंदे मोमिन का कि भाई तुमने दुनिया को अहमियत दी ज्यादा या अल्लाह के काम को अहमियत दी ठीक है तो देखिए कि कभी भी दुनिया को ज्यादा आप रेफरेंस ना दे आखरत के बदले में या अल्लाह के दिन के बदले में ठीक है चले हुआ क्या सरदार देखे कि किस तरीके से फिराउन से बात कर रहे हैं सरदार कहने लगे फिराउन की कॉम में से जो थे वो क्या तू छोड़ देगा यूं ही मूसा को और उसके कौम को अच्छा तू छोड़ देगा इस तरह से तो वो मचा ये फसाद मचा देंगे जमीन में देखे जरा आप आपको ये अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के दीन को लेकर आया अल्लाह की शरीयत को लेकर आया बिल्ला उनके बारे में ये लोग कहते हैं 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 कि फसाद मचाने आए जी हाँ। इसी तरीके से देखिए जब समाज में हम सही दीन को लेकर निकलते हैं, लोगों को इस चीज की तरफ बुलाते हैं तो लोग भी आपको इस तरीके से टोन कर सकते हैं भाई क्या फसाद मचा रही हूँ ये तुम क्या नया नया दिन लेकर आ रही हो यू नो इस तरीके के लोग जो है वो बात करते हैं ठीक है चले और क्या कहने लगा और छोड़ देंगे तुझको और तेरे माँ को देखिए जरा यानी अब उन लोगों के अंदर एक खौफ जो बैठ गया कि भाई ये क्या हो गया इतने सारे लोग ईमान ले आए ऐसे चलता रहा तो ये सारे लोग जो है वो एक अल्लाह को पुकारने लगेंगे और ना मुझे कोई रब मानेगा ना नाउ और जो बुतों को पूछते थे उसको भी कोई पूजेगा नहीं देखिए किस तरीके से यू नो फिर उनको उसके सरदार जो है ऐसे पट्टी पढ़ा रहे ठीक है चले फिरा कहने लगा सनुक और ये दूसरी मरतबा हुआ था पहली मरतबा तो बकरा में हमने पढ़ा वो ये था के मूसा से पैदाइश उनकी पैदाइश के पहले की बात थी जो भी था उस वक्त का जो काहिन वगैरह था ज्योतिषी वगैरह होते कुछ पेशन गोईया उसने कर दी थी एक लड़का आने वाला है तुम्हारे सल्तनत में वो तुम्हारी पूरी तख्त को पलट देगा सब कुछ खत्म कर देगा ऐसा वैसा अल्लाह सुबहाना तला यू नो एक बात कहते थे जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे मूसा को अल्लाह सुबहान तला को बचाना था अला सुबह तला ने बचा लिया मिसाई असलम को जो भी तरतीब अल्लाह ने लगाई और बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुझे मेरे और तेरे दुश्मन के घर भी परवरिश दूंगा इन डिटेल इनशा हम सूर तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में मोशा के बारे में तो इसी तरीके से तो ये दोबारा उसने जो है ये ऐलान किया कि अब इनके बेटे को जो है वो कतल करो इनकी औरतों को जो है वो जिंदा छोड़ दो इनकी बेटियों को जिंदा छोड़ दो इस तरीके से क्यों क्योंकि यू you नो know, ना इनके बेटे रहेंगे न बढ़ेगी और ना ही ये दीनदार लोग रहेंगे ना तोहिद परस्त रहेंगे और वह इन्ना और बेशक हम क़ाहिरून उन पर हम कहर उठाएंगे हम बहुत जबरदस्त है उन पर हम काहिर हैं उन पर इस तरीके से धमकिया देने लगा लोगों को वो ठीक है मूसा क्या डरते थे उससे और नाउजिल्ला क्या अब्बाना तला उससे डरते थे नहीं ठीक है चले अब क्या हुआ जब यानी इतना जबरदस्त धमकी जब लोगों ने सुनी तो मूसा अलैहि सलाम का एक यू नो एज ए लीडर एक रोल मॉडल जो यहाँ दिख रहा है क़ल मूसा لقौमी استعينوا بالله والصبر صابروا हम बस तो यहाँ पर मूसा अलैहि सलाम ने कहा अपने क़ौम से कहा कि तुम मदद तलब करो अल्लाह से और सब्र पर जमे रहो क्योंकि देखिए इतनी खुली धमकी अगर कोई दे तो कोई भी इंसान यू नो जिसका ईमान थोड़ा कम है या वो नए नए दीन में दाखिल हुए थे और इतना सख्त उनके साथ मामला किया जा रहा था तो यू नो उनको कहीं ना कहीं ये फील ना हो जाए कि अरे ये हमने क्या कर दिया ये तो हम पर यू नो कहर ढा रहा है हमें यह परेशान कर रहा है अब देखिए कि मूसा ने बहुत अच्छा रोल अदा किया उन्हें तसल्ली कैसे दे दे ऐसी होना चाहिए देखिए जब यानी कि फॉलोअर्स जो नो जो, दीन को जो फॉलो कर रहे हैं लोग किताब सुन्नत की तरफ वो इंसान बुला रहा है और उनके ऊपर परेशानियां आ रही हैं उन पर जो है वो लोग मुखालिफत में खड़े हैं लीडर को बहुत ज्यादा जमने की जरूरत है अगर देखिए लीडर में ही आप अगर वजन नहीं पाएंगे और उसके अंदर इस नहीं पाएंगे तो फिर ये नो फॉलोअर्स का क्या होगा तो मुसाइसम तसली दे रहे हैं देखो कोई बात नहीं अगर तुमसे ये ऐसी बातें कर रहा है तुम अल्लाह से मदद चाहो सब्र पर जमे रहो होगा क्या इसका अल्टीमेट इनमी कितनी प्यारी बात है और फिक्र क्यों करते हो अरे ये सरजमीन कोई फिरोन की नहीं है इन और बेशक ये सारी जमीन तो अल्लाह की है ये सारी जमीन अबरत की है और ये सुन लो वो वारिस बनाता है जमीन का जिसे वो चाहता है अपने बंदों में से यानी ये फिराउन तुम्हें जमीन से निकालने की धमकी दे रहा है तुम्हें दुनिया से हटाने की धमकी दे रहा है अरे फिकर मत करो तुम सब रुपये जमे रहोगे तो अल्लाह सुबह इससे बेहतरीन चीज तुम्हें देंगे कितनी प्यारी बात है देखे जरा तसली दे रहे हैं और ये मत भूलो आखिरी अंजाम जो है वो तकवे वालों का ही बेहतर होता है ये देखिए एज ए लीडर कितना बेहतरीन उन्होंने जो एक तसल्ली दी दिलासा दिया ये हमें सीखने की जरूरत है एक अगर यू नो आप जिसको बुला रही गुलाम दीन की तरफ अल्लाह सब तब आपकी दावत पे कुछ लोगों को तोफी दे देते हैं कुछ लोगों के अंदर देखिए कि इस्तेकामत आ जाती है कुछ लोगों के अंदर इतनी इस्तेकामत नहीं आ पाती है नहीं होता है। होता है लोगों को लोगों का डर होता है समाज का डर होता है फैमिलीज का डर होता है तो यहाँ पर देखें कि लीडर के अंदर यू नो कितनी वजनदारी है उसके बाद में उसके बाद में कितना असर है वो देखा जाएगा फिर और लोग जो नहीं जमीन से निकालने की बात करते हैं घर से निकालने की धमकियां देते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कोई बात नहीं सारी जमीन जो है वो अल्लाह सुबहाना तला की है अल्लाह सुबहाना तला चाहेंगे तो इससे बेहतर तुम्हें अपनी जमीन का वारिस बना देंगे ठीक है अब देखिए अब देखिए कि अब कौम के लोगों का जवाब आप सुने यकीन करें कि कुछ लोग आपको भी ऐसे मिलेंगे हिम्मत तोड़ने वाले जो करने को कुछ नहीं लेकिन हिम्मत तोड़ने के लिए आगे आगे रहेंगे ठीक है चले देखते हैं आयत नंबर 129 में किसको बोल रहे मूसा अलैहिस्सलाम को कौम के लोग कहने लगे मूसा जाते थे हम इससे पहले भी के आप आए थे हमारे पास और उसके बाद भी जो लेकर आए हो आप हमारे पास अस्त देखिए जरा यानी अपनी करतूतों का रीजन वो मूसा को बना रहे उन्हें फिराउन की गलती नजर नहीं आ रही है कि फिराउन उनके साथ क्या कर रहा है बल्कि वो मूसा सलाम की गलती निकाल रहे भाई तू जब नहीं आया था जब भी फिरावन हमको परेशान करता था अब जब तू आ गया हमारे पास तो भी ये फिराउन हमको परेशान करता है ये होता है देखिए लीडर इतनी बेहतरीन बात कर रहा है और कुछ लोग इतने सख्त दिल के होते हैं कि उन्हें बात समझ नहीं आती है और पता है आपको ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है ना शुक्र लोग इतने ना शुक्रे थे इतने ना शुक्रे थे वो कि उनके अंदर यकीन करे कि किसी भी चीज को लेकर कोई भी शौक नहीं था उनके अंदर हुँ? सिर्फ उनको ये था कि हम बड़े बन जाएं, यूं ही बगैर किसी मेहनत के हमें एक बड़ाई दे दी जाए एक बेहतरीन उम्मत का लकब दे दिया जाए ऐसे यकीन करें कि कुछ लोग होते हैं ऐसा रियालिटी में हमने देखा है करने को कुछ नहीं चाहिए उन्हें हमें सिर्फ नाम दे दे आप हम जो है वो बड़ा बनना चाहते हैं बड़े बनने का शौक है हमारा लेकिन उसके तकाज़े पूरे नहीं करते हैं देखिए जब अल्लाह सफर ताला आपको कोई चीज देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जांच भी की जाएगी ना आपकी टेस्टिंग भी होगी क्यों भाई इसलिए अल्लाह सफहर तला देखते हैं कि मेरा ये बंदा जिस काम के लिए मैंने इसको चूज किया है उसके लायक है या नहीं है देखिए अपने दीन का काम उठे अल्लाह उठे अल्लाह किसी के भी हाथ में नहीं दे देते आप लोग भी यू नो अल्लाह के कलाम से जुड़ने से पहले कभी भी यही नहीं इससे पहले भी आप कहीं जुड़ी होंगी उससे पहले आपके साथ जो भी मामलात हुए होंगे ना यकीन करें कि अल्लाह के कलाम को पढ़ते पढ़ते सारा पास्ट का हमारा वो इंसिडेंट्स हमारे साथ क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी चीजें हमें रिवाइज होती है फिर हमें अल्लाह की तमत थोड़ी थोड़ी समझ आती है और वह हमत कैसे आती है अल्लाह के कलाम को पढ़ने से उसको समझने से बाकी दुनिया की आप कोई भी यूनिवर्सिटी की किताब आप पढ़ लें आपके अंदर कभी वह नहीं आ सकती जो अल्लाह के कलाम से आती है तो देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं और मूसा को इस तरीके से वो ब्लेम कर रहे हैं ठीक है, है। मूसा सलाम ने जवाब दिया कला अय يهلك اذعكم ويستخلفكم في الارض فينذر كيف تعملون ठीक है मुसाले सलाम ने कहा मुमकिन है तुम्हारा रब कि वो हलाक कर दे तुम्हारे दुश्मनों को और वो खिलाफत दे दे जानशीनी दे दे तुम्हें जमीन की तुम्हें ऑनर बना दे इस जमीन का ठीक है भाई فينذر كيف تعملون फिर देखते हैं के तुमको ये जान श्रेणी मिलने के बाद तुम कैसा अमल करते हो इस पर यकीन करे खौफ आता है मुझे तो बहुत खौफ आता है आपको अभी नहीं आ रहा है क्योंकि आप उस, इसे वैसा नहीं समझ पा रही जैसे कि मैं इस आयत को समझ रही हूँ देखिए कि हर इंसान को अल्लाह सुबहान तला ने कुछ ना कुछ ऑथोरिटी दी है ओके अच्छा या ऑथोरिटी जॉब या फिर सर्विसेज के ही नहीं होते हैं ठीक है एज ए इंसान कोई भी अहदा जो हमको मिला है चाहे वो मदर का हो वाइफ का हो बहन का हो बेटी का हो यानी औरतें हैं हम तो औरतों के तालुक से ही बात करते चले मर्द हजरात है तो वो हेड ऑफ फैमिली है अगर एज ए एज ए फादर एज ए सन ओके एज ए ब्रदर जो भी एक ऑथोरिटी अवस्क ने उसको दी है चलिए बाहर थोड़ा निकलते हैं हम बाहर थोड़ा निकलते हैं तो हमारी जो जॉब की पोस्ट वगैरह होती है या उसके ऊपर यू नो घर की जिम्मेदारी या उसके जॉब की जिम्मेदारी सर्विस की कंपनी की वट जो भी है जो भी अल्लाह ने दिया है कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं वो क्या काम करती है जरा मुझे ये अहदा मिले तो देखो मैं क्या जलवे दिखाती हूँ देखो मैं क्या काम करके दिखाती हूँ नो सुना होगा आप लोगों ने भी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कह रहे तुम्हारी जगह होती तो देखो मैं क्या क्या करती तो अल्लाह ताला वही यहाँ पे बोल रहे हैं ठीक है भाई तुम जो चाहत कर रहे हो ना कि तुम्हें इस जमीन की अथोरिटी मिल जाए अब यहाँ हर बंदा अपने को लेकर सोचे कि जिसको वो यू you नो know, जिसके ऊपर वो उंगली उठाता है अरे इनको क्या आता है ये क्या काम करती हैं जरा मुझे ये काम मिल जाए ना तो देखो मैं कितने अच्छे से करके दिखाती हूँ तो अल्लाह तला बोलते ठीक है भाई तुम ये काम देते हैं दे दिखाते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर तुम ये काम कैसे करते हो कभी भी देखिए अपनी जबान से ऐसी बात ना निकाले भाई इससे अच्छा तो मैं कर लेती यू नो ये थोड़ी आ, कैसे तकबर की बात आ जाती है यू नो और आ, क्योंकि बातों से ही इंसान को यू नो पता नहीं चलता है कि वो उसके अंदर तकबर है कि जब तक हमको दूसरे लोग ना कह दे भाई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए इसमें अनाज झलकती है जब तक इंसान को खुद को पता नहीं चलता है यकीन करें कोई और ही हमें समझाता है नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए इसमें अना झलकती है कोशिश करें अल्लाह सला से दुआ करें कि अल्लाह मुझे ये मैं से बचाए ये अना से बचाए कभी भी मेरे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर अना ना आए और बस ये दुआ करें कि अल्लाह तूने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है एक इंसान होने के नाते बस मुझे उसमें ही तू बेहतरीन बना दे मुझसे बेहतरीन काम ले चाहे वो दीन का काम हो चाहे दुनिया का काम हो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ दीन के काम के लिए दुआ करें, ना या आप दुनिया के काम के लिए भी दुआ करें। देखिए जो दुआ हमें सिखाई गई है रब बना आतीना फिर दुनिया हसनता आखिरती हसनता वकीना तो इससे पहले दुनिया ही आई है ना फिर आखिरत आई है ना अरे बंदा दुनिया में रह के तो आखिरत की तैयारी करेगा ना कुछ लोगों की सोच है नहीं भाई आखरत आखरत करते रहो दुनिया को छोड़ दो और कुछ लोग ऐसे नहीं भाई दुनिया में रहो आखरत किसने देखी है दोनों ही बातें गलत है देखिए हमारा दीन है, बैलेंस दिन है और इस बात को अल्लाह सबरण ने बकरा में ही बता दिया हमें और यू नो वेरी सरप्राइजिंग थिंग सूरतलबरा की बकरा की सिक्स आयत है और जिस आयत में इसका जिक्र किया गया है उस आयत का रेफरेंस भी देखिए आप 286 का हाफ करें आप कितना होता है 286 का हाफ ये तो कितना होता है बताइए आप में से कौन बताएगा जल्दी बताए फटाफट बोलिए 142, 143, 142. 142. Two. 143. Two. 143, 143 ना क्योंकि 286 284. है ना ठीक अच्छा, है तो ये yes, है ना तो 140, 143 तो आप देखिए कि बिल्कुल इस 143 द नंबर ऑफ सूरतुल बकरा आयत नंबर 143 फोर्टी वहां पर अल्लाह सुबहाना तला ने फरमाया है कि मैंने तुम्हें उम्मत वस्ता बनाया है सुबहान अल्लाह तो जब जिस रब ने हमें उम्मत वस्ता बनाया है दरमियानी उम्मत बनाई है कि भाई तुम रहबानियत इख्तियार मत करो दूसरी कौमों की तरह कि जाके जंगलों में वीरानों में और सन्यास लेके चले जाओ ये हमारा दिन नहीं सिखाता है और ना ही हमारा दिन ये सिखाता है कि दुनिया के होकर रह जाओ बल्कि हमें ये दुनिया अमल दिया गया अमल की जगह दी गई है ताकि हम वो आखरत के घर के लिए वो लामहदूद लाइफ अनलिमिटेड टाइम के लिए जहा रहना है वहां की तैयारी करें तो इस ईसायत को हमेशा याद रखें कभी किसी को यह जुमला ना कहे भाई तुझसे अच्छा तो मैं काम कर लेती <laughs> ना कहेंगे ये इस को अगर ठीक है चलिए भाई भाई हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले चलो भाई ये तो बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये मूसा सलाम बोल रहे हैं अमल की बात कभी नहीं ले पाएंगे आप खुद के लिए अमल की बात लेनी है आपको तो बस इतनी सी बात याद रखें कि कभी किसी भी इंसान को ऐसा ना कहें कि तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं ये कर लेती वो कर लेती या मेरे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता यू you नो know, इन तमाम बातों में आना अच्छा लगती है और इसी पर मैं कह रही हूँ ना आपको कि कुछ लोगों को यू you नो know, बड़ा बनने का शौक होता है लेकिन जब मगर उसके तके पूरे नहीं कर पाते इनको ये था कि चलो भाई खिलाफत हमें मिल जाए हमें जो है वो अच्छे उम्मत होने का एक टाइटल मिल जाए और हमें सब कुछ यू you नो know, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए लेकिन भाई मेहनत मत करवाओ हमसे क्यों असल में इनका भी मसला नहीं था मसला इनका ये था कि फिर इनको जो है वो गुलाम बना के रखता है ओके गुलाम बना के जब उसने रखा था ये आजाद भी हो गए थे अल्लाह ने इन्हें आजादी भी दे दी थी बने इसराइल को लेकिन वो गुलामी की यू नो आदत को भूल नहीं पा रहे थे उस मिजाज को बदलना नहीं चाहते थे ऐसे हो गए थे होता है कभी कभी यू नो गुलामी में भी लोग जो है अपने हालात को बदल नहीं पाते हैं वहां से आज़ाद होने के बाद भी इनका ऐसा था कि भाई ठीक है हम चलेंगे रसूल के साथ हम दीन पर अमल करेंगे हम दावत का भी काम करेंगे हमें फूलों का बिस्तर दो फूलों का रास्ता दो कोई कांटा भी चुभना नहीं चाहिए थोड़ी इनकी मैंटेलिटी ऐसी थी तो ऐसा नहीं होता है अल्लाह सुबह हर तरीके से टेस्ट करते हैं तो खैर अमल की बात लें अपने लिए इनशालाहमदिल्ला आतंबर वन टवेंटी तक हमारा मुकम्मल हो गया अल्हमदल्ला इन आयो पर हम देखेंगे की अल्ला जब यदि हमारा कोई नुकसान होता है या हम पर कुछ हालात आते हैं तो क्यों आते हैं क्या वजह अल्लाह ने यहाँ पर बताई है तो अल्लाह सुबह वही बता रहे हैं कि जो आले फ़िराउन थे जब इन्होंने मूसा की नाफरमानी की तो फिर अल्लाह सुबह ने इनके ऊपर हालात डाले चाहे मुबतला कर दिया इनको इनके ऊपर बुरे बुरे हालात डालते रहे तो देखिए कि इनका जवाब क्या था जबकि अल्लाह सुबहाना तला बता रहे हैं कि यकीन हमने पकड़ा अले फ को साली में पकड़ा और उनको उनकी जो पैदावार थी उनके जो फल वगैरह थे उसमें उनको नुकसान में उनको जो है मुबतला कर दिया क्यों इस बात को याद रखे देखे कि ताकि वो नसीहत पकड़े ताकि वो कुछ सबक हासिल करें इतनी क्लियर बात अल्लाह अलफ ने बता दी यहाँ पर कि अगर हालात आते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आज के टाइम पर हम लेना परेशानियां इंसान पर आती है आज अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो महंगाइयां क्यों हो रही है ताकि हर बंदा अल्लाह की तरफ बढ़ जाए आज देखिए बंदे और अल्लाह के बीच में जो एक दूरी हो गई है जो कनेक्शन लो हो गया है तो अल्लाह सुखन तला अल्ला चाहते हैं कि बंदे सिर्फ मेरे होकर रह जाए मेरे साथ किसी को ना पुकारे ठीक है चले हालात तो आए थे इसलिए कि ला अल्लाजा करू लेकिन यहाँ पर उनका जवाब देखते हैं कि क्या वो कहते हैं फिर जब ओके okay, फिर जब आती आती है उन पर अच्छे हालात देखिए अब अच्छे हालात आते हैं तो इनका जवाब क्या होता था हाजिर ही तो वो कहते थे ओहो ये तो हमारी वजह से है ये हमारे लिए है भाई हम डिजर्व करते हैं हम मुस्तक है इसके हमारा हक है कि अच्छे हालात हमारे ऊपर आए देखिए अच्छे हालात इंसान पर आते हैं तो देखिए जो भी हालात अच्छे हो या बुरे हों कभी देखिए कि इंसान जो है वो बुरे हालात के बाद अल्लाह की तरफ पलटता है और कभी कभी तो अच्छे हालात में भी लोग पलटते हैं इसमें कोई शक नहीं है जब यू नो इंसान देखता है कि अल्लाह मुझे इतनी नियामतें दे रहे हैं तो वो अल्लाह के हुजूर में बिल्कुल यू नो के एकदम शिक्र गुजार हो जाता है और इस तरीके से अच्छे हालात के जरिए वो अल्लाह की तरफ पलट जाता है अब इनके ऊपर अच्छे हालात है तो भाई ये गुम कर रहे भाई हम तो डिजर्व करते हैं हमारा तो हक हाँ था अल्लाह को देना ही था ठीक है चले तो अब लेकिन लेकिन क्या होता था, था कि जब अगर उन्हें कोई मुसीबत कोई बुराई कोई परेशानी पहुंचती थी तो कहते थे मनहूस है मूसा तू कौन है मनहूस है हमारे लिए और उसके साथी को भी यही कहते थे कि तुम लोगों की वजह से हमारा जो ये माहौल है ये हमारी जिंदगी बिल्कुल जो है वो बेमुबारक हो गई है यानी कि मनहूसियत हमारी जिंदगी में आ गई है देखिए इस तरीके की बातें किया करते थे अल्लाह अकबर वक़्त के रसूल को नाउज बिल्ला बस शगुन कह रहे हैं वक़्त के रसूल को वो अः कह रहे हैं या फिर मनहूस कह रहे हैं इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे ठीक है अल्लाह सुबहाना तला जवाब दे रहे हैं अल्लाह याद रखो इन दर हकीकत बदबख्ती, बदशुगनी और ये नामुबारक चीजें तो उनकी अल्लाह के पास है हाँ वाला किलम और लेकिन उनमें से अक्सर लोग ये भी नहीं जानते हैं ये देखिए कि हालात अच्छे बुरे ये सब अब की तरफ से होता है लेकिन वजह इंसान खुद होता है जब वो अल्लाह से दूरी इख्तियार करता है अल्लाह की ना शुक्र करता है तो अल्लाह सुभान तआला उसके ऊपर हालात डालते क्यों जक करू ताकि वो क्या करे नसीहत पकड़े अपने हालात से कुछ ना कुछ सबक हासिल करे लेकिन इन लोगों का बिल्कुल उल्टा हाल आज भी देखिए देखे आल्सो दे कुछ लोग यू नो ऐसे होते हैं कि अगर सब कुछ उनके साथ अच्छा अच्छा हो रहा है तो भाई हमें बड़ी किस्मत वाली हूं ये तो बहुत अच्छा है सब मेरा अच्छा हो रहा है ऐसा ऐसा ना लेकिन जो ही अगर उनके ऊपर जरा परेशानियाँ आती हैं या कुछ बुरा उनके साथ उनके हिसाब से कुछ बुरा हो जाए तो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते वही रवैया यहाँ पर मूस आसम की कौम का मिल रहा है हमें कि उनकी खुद की यानी खुद जो वो अल्लाह से दूरी इख्तियार कर रहे थे रसूल से दूरी इख्तियार कर रहे थे उसकी वजह से जो उन पर परेशानियां आई तो नाउज नाउ रीजन मूसा अलैहिस्सलाम को बना रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम को रीजन बना रहे हैं कि तुम ही असल में हमारे लिए नाम मुबारक हो और तेरे साथी यानी ईमान वालों को भी इसी तरीके की कि बातें किया करते थे ठीक है चलिए अल्लाह साल तआला आयर आयत नंबर 132 में क्या फरमाते हैं महमा बिही मिन आयतिन लिसा तस, तसहरा नबिहा फमनहनु लका बिमिनिन और देखिए कि और कैसा उल्टा उल्टा जवाब दे रहा वक्त रसूल को मूसा अलै सलाम को और उन्होंने कहा यानी कि कैसी भी तू ले आए हमारे पास अपने रफ की तरफ से कोई भी निशानी सोचने वाली बातें देखिए कि तू वक्त का रसूल है तू हमारे पास कोई भी ले आजा और इसलिए लिता लिता कि लिता किस निशानी लेकर तू हम पर जादू कर दे उसके जरिए नाउजिल्ला उस उन्होंने जो पीछे देखा ने जो मुआजा उन्हें दिए थे तो उसको वो जादू समझते थे और इस तरीके से वो मूसा को चैलेंज कर रहे हैं कि तू कोई भी मुजजा हमारे पास ले आ कोई भी निशानी हमारे पास ले आ ताकि तू उस जादू के जरिए हम पर जादू भी कर देगा ना उस मुआजे के जरिए फमन का भी मोमिन तब भी हम तुझे मानने वाले नहीं है और तुझ पर ईमान लाने वाले सोचे इतनी खुली बात वो लोग कर रहे हैं और अल्लाह के मुआजे को जो अपने अम्बिया और रसूल को दिया करता था अल्लाह सुबहान तला उसको कह रहे हैं कि जादू अल्लाह ठीक है चले अब देखिए कि कुछ लोगों को सेंस नहीं होता है शाउर नहीं होता है कि अल्लाह से हमें क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए जब उन लोगों ने ये डिमांड की तो अल्लाह सुबहाना तला ने उनके डिमांड को पूरा कर दिया किस तरीके से अल्लाह सुबहान तला ने इनके डिमांड को पूरा किया देखिए ये वो कौम है जिस पर बहुत ज्यादा अल्लाह का अजाब आया बहुत ज्यादा और इनायतों से हमें पता चलता है कि कैसे अल्लाह सुबहान तला ने उन्हें कैसे कैसे आजमाइश में डाला अल्लाह का क्या क्या अजाब उनके ऊपर आया फिर तो उसके बाद यही कौम थी जिसको सबसे ज्यादा अल्लाह सुबहान तला ने न्यामती भी अदा की ठीक है चले जब उन्होंने कहा अपने वक्त रसूल को कि किसा ला कर दिखा तुझे जो भी निशानियां हम तो ईमान लाने वाले नहीं ठीक है अल्लाह सुबहान तआला ने उनकी इस बात को पूरा किया किस तरीके से ठीक है फिर हमने भेजा उन पर अजाब तूफान का टिड्डियों का अजाब कीडों का अजाब मेंढक का अजाब और खून की सूरत में भी अल्लाह ने उन पर अजाब भेजा कि हर तरफ यानी वन बाय वन इन पर जो है यानी कि ऐसा तूफान अल्लाह ने भेजा कि काफी कुछ इनका उसमें नुकसान हो गया टिड्डिया यही हर जगह उनके खाने में पीने में खेतों में खेतों में जाके तो वैसे सबने नाबूद कर देती है टिड्डिया यानी ये देखे कि अल्लाह सुबहरण तला ने कैसे इनके पकड़ के कीड़ों के जरिए कि इनके खाने पीने में कीड़े इनके घरों में कीड़े इनके जिसम पे कीड़े हर जगह कीड़े ही कीड़े इनको जो है वो नजर आते थे भी इनके जो है वो हर जगह पर मेंढक इनके जो है वो शामिल हो गए थे खून की शक्ल में कि कोई खा, कुछ खाते पीते थे तो वो खून में जो है वो तब्दील हो जाता था अल्लाह सुबहान तला क्या बता रहे आयातिम फल ये डिफरेंट डिफरेंट मुआजात थे जो हमने तुम्हें दिए हुआ क्या यानी आप सोचे कि किसी कौम पर इतना ज्यादा अजाब भेजा तो भी अल्लाह सुस्तखरू वकान मुजरमी के बाद तो इन्हें अल्लाह के हुजूर में इतना झुक जाना चाहिए था लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट इन्होंने रवैया अख्तियार किया लेकिन वो तकबर में मुबतला रहे और वो सब लोग मुजरिम हो गए इन पर गुनहगार जो है इनका गुनहगार होना साबित हो गया अल्लाह ने साबित कर दिया अच्छा अब क्या हुआ आगे जो रवैया इनका बताया जा रहा है आज के टाइम में भी देखे कि कुछ मुसलमानों का यही हाल है करें इस बड़ी हंसी आती है मुझे कहने लगे अब देख रहा है देखा उन लोगों ने कि भाई इतना अजाब हमारे ऊपर आ रहा है सब सारी चीजें हमारी नाबूद हो रही हैं आए मूसा और जब भी आता उनके ऊपर कोई भी अजाब वाक होता अल्लाह का उन पर कोई अजाब आता तो वो कहते ऐ मूसा दुआ करना तेरे रब से हमारे लिए अच्छा क्यों भाई क्यों आए मूसा के पास दुआ कराने जवाब भी अल्लाह तला दे रहे बीमा का इस उस बेस पे तू दुआ कर कि अल्लाह ने तुझे एक अहदा दिया है अल्लाह ने तुझे एक स्टेटस दिया है अपनी दर, नजर में हैरत नहीं और ये आपको ये ये बात पढ़कर कि हालांकि इस ये चीज़ जाहिर कर रही है इस आयत में ये बात हो रही है कि उन्हें पता था कि ये अल्लाह के रसूल हैं ये सच्चे हैं जो तालीमत जो दावत लेकर आए वो सच्चे हैं नहीं तो सोचिए आप जरा ऐसी वो बात करते बिमादा का कि तेरे रब से दुआ कर हमारे लिए वो जो तुझे अल्लाह ने एक मनसब दिया है कि स्टेटस दिया है उस बेस पे तू दुआ कर और वादा क्या लिया मूसा से लइं क शफ्ता अन रिज लनूमनन लका वलनुरसिलन न معك बनी इसराइल देखिए इस तरीके से ना जब वक्त पड़ती है तो आदमी बोलते ना कि कुछ भी बोलता है तो क्या कह रहे हैं मुसाले सलाम से कि सुन अगर दूर कर दे हमसे यानी तू अल्लाह से दुआ कर और अल्लाह ने अगर हमसे दूर कर दिया आजाब तो जरूर ज़रूर हम तुझ पर ईमान ले आएंगे और अदर थिंग कि जरूर हम तेरे साथ भेजेंगे बने इसराइल को मतलब तेरा काम हो जाएगा यानी इस तरीके से वो वक्त के रसूल से बातें किया करते थे आज के टाइम पे देखिए आज भी लोगों का यही हाल है जरा परेशानियां आई कोई मर गया तो भाई मौलाना साहब को बुला लो तरुद फातह करवा लो दुआ करवा लो अरे बेटी की शादी है मछली सजा लो मौलाना को बुला लो इसको बुला लो उसको बुला लो यही हाल है ना दुआ करवाना जरा मौलाना साहब को बुलाना देखिए जरा ये उस वक्त के भी मुसलमान ऐसे ही थे कि खुद कुछ नहीं करते थे सब मौलाना से करवा लो इससे करवा लो उससे करवा लो आज भी लोगों का यही हाल है देखिए ठीक है चले उनके कहने पर सलाम ने क्या किया दुआ किया से। क्योंकि वो अपनी कौम के लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे ठीक है अल्लाह मस्जिद आयत नंबर में फरमाते हैं हुआ क्या? फिर जब हम दूर करते उनसे उन्हें पहुंचना ही था यानी एक वक्त करर अल्लाह ने की थी कि भाई चलो ये वक्त तक इनको ये अजाब देना है लेकिन मूसा सलाम ने दुआ कि अल्लाह के हुक्म से वो अजाब उनसे जाता रहा अल्लाह ताला वही बता रहे हैं जब तक उन्हें वो अजाब पहुंचना था उस वक्त तक उन्हें अजाब पहुंचा हाँ तब वो अहद तोड़ने लगे लेकिन करें ये रवैया हम अपने अपने इर्द-गिर्द बहुत करीब से देखते हैं कभी तो अस... तो कि इंसान पर ऐसे हालात आते हैं ना कि अल्लाह के सिवा वो किसी को नहीं पुकारता है ठीक है चले जब अल्लाह सुबहान कि जो भी इंसान पर हालात है अल्लाह सुबहाना खुद इस चीज की दलील दे रहे हैं कि वो एक वक्त मुकर्र तक उसके साथ होना है ठीक है चले वक्त मुकर तक होना है अब उसके बाद जब वक्त वो वक्त उसका चला गया अल्लाह ने उसकी परेशानियों को दूर कर दिया तो वह अहद तोड़ने लगता है इनशाला तो आगे हम पढ़ेंगे इसी में कि अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगते हैं अल्लाह ये कर दे वो कर दे वो कर दे और जब अल्लाह सुबह उनकी दुआ को कबूल करके वो चीजें अदा कर देते हैं तो वो यहाँ वहां जाके किसी और को क्रेडिट देने लगते हैं किसी और का थैंक्स करते हैं किसी और का शुक्र करते हैं ये है अहद तोड़ना देखिए कि जिस रब ने आपको दिया है शुक्र भी उसका उसका जो है वो करे आप जब अल्लाह के दिए हुए नियामतों पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो ये नियामतों को खत्म करने का एक जरिया बन जाता है तो अल्लाह तला वही बोल रहे हैं ठीक है भाई उनका एक वक्त रहा था बहुत एक एग्जाम्पल मैंने इस पर फॉर एग्जाम्पल ये देखे आप कि अक्सर देखिए कि इंसान को जिस चीज की कमी होती है फिर वो उसको शिर बहुत पॉसिबिलिटी होती है सारे लोग ऐसे नहीं होते शिर की तरफ मुबतला हो जाता है अच्छा ठीक है चले फिर उसके बाद समझे फॉर एग्जाम्पल औलाद की बात ले लें आप जॉब की बात ले लें कारोबार की बात ले लें किसी को औलाद नहीं है बच्चा नहीं है किसी ने कहा भाई जाओ फुला जगह माथा टेक लो तुम जो है तुम्हारी ये मुराद पूरी हो जाएगी तुम्हें बच्चे हो जाएंगे ठीक है चले अब वो दर बार भटक रहा है वो डॉक्टर से भी इलाज करा रहा है लेकिन देखिए उस जो दुनिया में आना है ना उसका एक वक्त मुकर है अल्लाह सुबह ने हर इंसान के हर यू नो हर जानदार के आने का वक्त और जाने का वक्त फिक्स कर दिया है ठीक है भाई वो दर बदर भटक रहा है वो 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 जोड़ा दर भटक बत, रहा रहा है है देन उसके साथ साथ वहां डॉक्टर से इलाज भी कर रहा है। अब वो भटकते 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 चलो एक किसी यू नो कहने किसी के कहने पर यहाँ जाओ वहां जाओ दर दर भटक रहा है यहाँ माथा टेक रहा है अब उस बच्चे के आने का वक्त हो गया है अल्लाह सब तला की तरफ से अब देखिए कि लास्ट उसने जहां माथा टेका होगा उसके बाद अल्लाह ने उसको वो आता की, वो चीज कुछ भी हो सकता है ना तो उसका तो सर वो फुला जगह माथा टेकने गए थे तो वहां पर हमें चीज मिल गई अहद क्या लिया था इसने अल्लाह से केला तू तो हमें अता कर दे तो हम अच्छे बंदे बन जाएंगे तेरा शुक्र गुजार तेरा शुक, तेरा जो है वो शुक्र गुजार बंदे बन, बन जाएंगे नीजे अल्लाह सुबह तला ने उनकी परेशानियों को दूर किया अल्लाह तला बोल रहे जिस वक्त तक उनको परेशानियां पहुंची थी जब तक पहुंची फिर दूर कर दिया इजा तब वो अहद तोड़ने लगे फिर उनका अकीदा जिस चीज पर बैठा फुला जगह पे फुला दरगे पे फुला बाबा साहब के यहाँ बुजुर्ग साहब के यहाँ गए थे माथा टेके थे सलामी दिए थे वही हमें चीज अदा हो गई कि इस तरीके से अकीदे में बिगाड़ की जो है वो बात हो जाती है देखिए कि इंसान का अगर अकीदा दुरुस्तें तो मुश्किल है कि बाकी के काम उसके जो है वो प्रॉपर हो। जो बंदा अल्लाह के साथ ईमानदारी नहीं कर सकता है तो वो बंदों के साथ कैसे करेगा दुआ करे अपने साथ हमें बिल्कुल ईमानदारी वाला जो है मामला करना सिखा दे इनशा आगे जो है बातें कंटिन्यू करेंगे इनशाला بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده Okay. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقينا عذاب النار ربنا لا تذيق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم جل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء هزني وصحابة همي وغمي جزاكم الله خير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته